कोरोना टेस्ट के बाद यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो आपको अब आसानी से रिपोर्ट नेगेटिव होने की जानकारी आपके मोबाइल और लैपटॉप पर मिल पाएगी। यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए civilsurgeonynr.com के नाम से एक वेबसाइट तैयार की है, जिसे DC मुकुल कुमार ने आज लॉन्च किया। इस वेबसाइट पर MRF नंबर डालने से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं अगर रिपोर्ट पेंडिंग दिखाई देती है या पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट वो भी उपलब्ध करा देगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि अभी इस पर कोविड रिपोर्ट के स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी और जल्द ही इस वेबसाइट में स्वास्थ्य विभाग की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग जारी है। वहीं कुछ वक्त से नेगेटिव रिपोर्ट जानने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। आज हमने आमजन की सहूलियत के लिए एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कोविड जो उसका टेस्ट हुआ है उसके स्टेटस के बारे में पता कर सकता है। इस वेबसाइट होगी ये civilsurgeonynr.com पे होगी, उस पर जाके फीड यही इसका लिंक हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक कर रखा है हमारे कोविड पेज से, तो उसमें SRF नंबर फीड करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव का स्टेटस है वो आ जाएगा, और अगर उसकी पेंडिंग है या पॉजिटिव है वो पेंडिंग के बारे में उसी वक्त कंसर्नड जो डॉक्टर हमारे होंगे सिविल हॉस्पिटल वहाँ से कंफर्म कर सकता है और हमारे हेल्पलाइन नंबर से वहाँ से पता कर सकता है। ये बहुत दिनों से ये मांग आ रही थी कि लोगों को दिक्कत आ रही थी कि उनको टाइमली नेगेटिव रिपोर्ट्स का पता नहीं चल पा रहा था, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्जन ऑफिस ने मिल के एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर SRF नंबर फीड करने के बाद स्टेटस पता चल जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई इस वेबसाइट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिला उपायुक्त के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने इस वेबसाइट को तैयार किया है। देखिए, हमने जिला उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें स्पेशल एम्फेसिस इस बात पर रखा है कि जो कोविड से रिलेटेड जिन लोगों की रिपोर्ट्स आती थी वो काफ़ी बहुतायत में ऐसे लोग होते थे जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट्स आती थी और उसके लिए उनको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे या बार बार फ़ोन पर संपर्क करना पड़ता था और वो परेशान रहते थे कि मेरी रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। कई बार रिपोर्ट डिले भी हो जाती थी और वो हम हालांकि पेस्ट भी करते थे लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों को देखने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता था, तो उसी में एक कड़ी हमने बनाई है कि हमने अब इस सभी को सिविल सर्जन की जो नई वेबसाइट हमने शुरू की है जो अभी बन रही है पूरी, लेकिन उसके ऊपर हमने ये पेज सबसे पहले शुरू कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर अपनी SRF डालेगा तो वो यदि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पे पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी और उसको वो प्रिंट भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है।